एडजस्टमेंट नंबर कौन सा होगा बताओ 19 एडजस्टमेंट नंबर 19 लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर अगली क्लास से पीछे वाले बच्चे जो बातें कर रहे हैं उनको अलग अलग बिठाऊंगा मैं लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट सर अब लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट की बात करें ना तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में ना सिर्फ गुड्स की बात चलेगी अब कोई बच्चा पूछता है सर बिल्डिंग का अगर इंश्योरेंस हुआ तो वो कैसे ट्रीटमेंट होगा तो वो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है सिर्फ क्या है गुड्स अब मान के चलो आपका लॉस बाय फायर या थेफ्ट यानी ये जो नुकसान है ना इस नुकसान को हम कहेंगे सर ये एबनॉर्मल नुकसान है नुकसान दो तरीके का होता है एक होता है नॉर्मल एक होता है एबनॉर्मल नॉर्मल तो रूटीन नेचर का होना ही तय होता है एबनॉर्मल का मतलब होता है सर इसके अंदर शायद कभी कभी हो जाए तो लॉस बाय फायर या फिर theft. कोई भी गुड्स हो जाता है तो वो कभी कभी होने वाला है तो आपका कभी कभी होने वाले का अगर आपका मान लेते हैं स्टॉक बहुत महंगा है तो आपने इंश्योरेंस करवा रखा होगा अगर छोटा मोटा सामान आपका है जितना महंगा सामान नहीं रखा हुआ तो आप इंश्योरेंस नहीं करवाते हो तो मे बी पॉसिबल है कि आपका गुड्स जो है इंश्योर्ड होगा गुड्स इंश्योर्ड यानी इंश्योरेंस करवा रखा होगा या फिर दूसरा सरकम पॉसिबल है कि गुड्स नॉट यानी आपने इंश्योरेंस लिया ही नहीं है गुड्स नॉट इंश्योर यानी या तो आपने इंश्योरेंस करवा रखा है या फिर इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है सर अगर इंश्योरेंस की बात करें अगर आपने करवा रखा है तो यहां दो बातें निकलेगी या तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलना तो तय है क्योंकि इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस क्लेम तो मिलेगा तो सर दो बातें हो सकती है या तो आपको मिल सकता है पार्टली क्लेम जो कि जनरली होता है पार्टली क्लेम या मिल सकता है आपको फुल क्लेम एक एग्जाम्पल की मदद से भी हम इसको समझेंगे एक या तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा जो नुकसान हुआ लॉस बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी बोले भैया तेरा नुकसान हजार का हुआ हम भरपाई कर देंगे पूरा हजार या बोल देगा इंश्योरेंस कंपनी भैया हजार का हुआ हम तो हजार नहीं देंगे हम आपको सात सौ रुपए देंगे तो ऐसे सिचुएशन में पार्टली क्लेम मिलेगा तो सर कितना मिलेगा आपको सर 700 और फुल क्लेम में कितना मिलेगा आपको पूरे हजार अगर पार्टली क्लेम आपका होता है तो पार्टली क्लेम का मतलब आपका पैसा पूरा नहीं मिला है और इंश्योरेंस में हमेशा याद रखना जब कभी भी पैसे नहीं मिलते ना आपको या जब कभी भी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है तो वो सारी चीजों को ना चेक करते हैं सर आप सुनते भी जाना क्या करते हैं सर चेक कैसे चेक करते हैं वो वो देखेंगे कि भैया ये एक्चुअल में नुकसान है भी या फिर नहीं है एफ की कॉपी देखेंगे आस पड़ोस से पूछेंगे उसके बाद उनको तसल्ली होगा फिर आपको इंश्योरेंस का पैसा ऐसा नहीं है कि आग लग गया और देखा रे आग लग गया आपने बोल दिया और आपको पेमेंट दे दे ऐसा कभी नहीं होता पैसे आने में एक से दो महीने का वक्त भी लगता है तो अगर पार्टली क्लेम हुआ सात तो सर जितना क्लेम आपका हुआ है जितना क्लेम वाला पार्ट है ये अभी मिलेगा नहीं सर कब मिलेगा ये थोड़े समय के बाद लेकिन कुछ तो ऐसा पार्ट है जो कि आपको मिलेगा जितना क्लेम हुआ है वो मिलेगा थोड़े समय के बाद और जो पार्ट आपको नहीं मिला तो यहां पे एंट्री देखना एक तो ये एंट्री जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट जो आपका नुकसान हो गया दूसरा एक हो जाएगा पहले मैं इधर ये लिख देता हूं या तो एक तो सर सबसे पहले तो लेस फ्रॉम परचेज होगा लेस फ्रॉम क्योंकि नुकसान सामान जला है तो लेस फ्रॉम परचेज कई जगह पे बुक में क्लोजिंग स्टॉक से भी माइनस करते हैं तो लेकिन मैं लेस फ्रॉम परचेस कर रहा हूं दोनों का मतलब एक ही रह जाता है दूसरा क्या होगा सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आ जाएगा डेबिट साइड सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड क्यों क्योंकि आपका नुकसान हुआ है सर अगर हजार रुपए का आपका सामान जला और सात सौ मिला तो नुकसान कितने का हुआ है आपका तीन सौ तो आपको तीन सौ रुपए जो दिखाना है वो दिखाना है सर कहा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और परचेज से कितना माइनस होगा अगर सामान हजार का है इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है सामान तो हजार का ही जला ना तो परचेज से हजार माइनस और पी एंड एल में कितना आ जाएगा तीन सौ माइनस नहीं तीन सौ क्लेम जो भी मिला है वो चला जाएगा सर बैलेंस शीट में वो कहा चला जाएगा बैलेंस शीट में सर बैलेंस शीट के कहां पे एसेट साइड बैलेंस शीट के एसेट साइड सर बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लेम चला जाएगा और कितने रुपए से जाएगा अमाउंट बताओ जितना आपको मिलने वाला है दैट इज सेवन हंड्रेड रुपीज अगर आपको पार्टली मिलता है फुल क्लेम अगर आपको मिलेगा ना फुल क्लेम का मतलब क्या है सर इंश्योरेंस कंपनी बोल है चिंता मत करो हम आपको सारे पैसे देंगे तो सारे पैसे जब कंपनी देगी तो दो ही जगह एंट्री जा सकता है सर दो जगह कहां जाएगा एक तो जाएगा सर आपका लेस फ्रॉम परचेज लेस फ्रॉम परचेज और दूसरा चले जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में बैलेंस शीट के एसेट्स में एज अ क्लेम अगर मेरा पुराने वाला ही एग्जाम्पल लो तो हजार में कितना मिल गया हमें पूरा हजार मिल गया तो हजार रुपये कहाँ से माइनस हो जाना है सर सर यहां से आपका हजार माइनस हो जाना है और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाना है कितने रुपए जाएगा बताओ कितने जाना चाहिए सर पूरे एक हजार रुपये यहां चले जाएगा पूरे एक हजार रुपये बैलेंस शीट के एसेट्स में पहले देखिए समझ में आई बात आपको तो ये कई बुक के अंदर ना वो क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस प्लस करते हैं लेकिन हम ना सिंपल तरीके से यही फॉलो करेंगे आंसर उनका और हमारे आंसर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं रहेगा पूरा फुल सेम रहेगा ठीक है अब कहते हैं गुड्स नॉट इंश्योर्ड तो जब इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे भैया क्लेम दो वो तो भगा ही देगा आपको किस बात का क्लेम है ना तो इंश्योरेंस कंपनी का तो कोई लेना देना है ही नहीं तो यहाँ पे सारा का सारा आपका हो जाता है सर नुकसान तो एक तो सर लॉस हुआ है तो एक तो लेस फ्रॉम कहां से हो जाएगा सर लेस फ्रॉम परचेज सो तो होगा ही सर कई बार एग्जामनर ना चला के दिखा सकते हैं बुक वैल्यू कॉस्ट वैल्यू दे रखा है तो हमेशा यहाँ पे जो लिया जाएगा ना ऑलवेज लिया जाएगा बताओ दो वैल्यू दे दे तो कौन सा लोगे हमेशा कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर मत कर देना यहाँ पे कौन सा लिया जाएगा हमेशा कॉस्ट प्राइस एग्जामनर ने अगर दिया तो दूसरा क्या होगा सर दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा यहाँ तो सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अगर हजार वाला ही एग्जाम्पल ले तो यहां भी हजार और सर यहां भी हजार तो ये एडजस्टमेंट लॉस बाय फायर हो चाहे लॉस बाय थेफ्ट हो करना ऐसे ही लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर सबसे बड़ा जो एग्जामिनर आपको हमने इतना कंसंट्रेट करके इसको सीखा होता है और ध्यान से सीखा होता है हम बातों बातों में एक बात भूल जाते हैं क्या भूल जाते हैं जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जाम्पल एक दिया आपको आप इसका ट्रीटमेंट बताना मैंने कहा कि मेरा ट्रायल बैलेंस है ठीक है ट्रायल बैलेंस दे रखा है और इकतीस तीन दो हजार इक्कीस का है ये मैंने कहा लॉस बाय फायर लॉस बायर एक चार दो हजार इक्कीस का था एक हजार रुपए का और हमें फुल क्लेम मिल गया फुल क्लेम एक हजार मिल गया तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा लॉस हमारा एक चार दो हजार इक्कीस का था हजार रुपए और हमें फुल क्लेम मिल गया तो कहां कहां एंट्री जाएगी बताइए इसका फुल क्लेम मिल गया बताइए कहा जाएगा कितने का नुकसान हुआ कितने का नुकसान हुआ एक हजार का मिला कितना हजार अगर हमसे मेथड की बात करो तो कुछ ये वाला लग रहा है फुल क्लेम तो कहां, कहां जाएगा एक बैलेंस शीट के बोलने वाले बच्चे बोल रहे हैं बैलेंस शीट के एसेट्स में और एक परचेज में से माइनस लेकिन हम ध्यान को इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं एडजस्टमेंट पर डेट को ध्यान ही नहीं देते सर ये अगले साल लॉस हुआ है मेरा ट्रायल बैलेंस कब का है तो एक चार तो अगला साल आ गया लॉस कब हुआ ये यही एग्जामिनर गेम आपके साथ खेलेगा यानी इस एडजस्टमेंट का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है सर इसके अंदर इस एडजस्टमेंट का कोई ट्रीटमेंट तो डेट भी आपको ध्यान देना है समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो देखता है 2021 2021 डेट का क्या काम है यार ये तो ऐसे ही देते हैं आपने देखा सर ये तो पढ़ रखा है अच्छा आधा लॉस हुआ आधा मिला क्लेम मिला आपने पूरा जैसे मैंने समझाया वैसे करके आगे लेकिन एग्जामिनर वहां कट लगा देगा बोलेगा भैया इसको तो करना ही नहीं था क्योंकि ये लॉस कब हो रहा है सर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो, के जाके हो रहा है इस बात का आपको ध्यान रखना है इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया देखो जो जो चीजें मैं बोलूंगा ना कि ध्यान रखना है वो चीजें एग्जाम के अंदर आता है और वो चीजें बच्चे गलती करते हैं बस जैसे कि अभी भी पूछा तो आप ब्लैंक हो गए आप लोगों का दिमाग डेट पे नहीं ले गया आपका दिमाग चले गया कि कैसे करना है नहीं करना है सारा फोकस इसके ऊपर आ जाता है ठीक है क्लियर है बताइए कोई डाउट तो